जनपद संभल के चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में अपने पति के साथ कोरोना का टीका लगवाने आई महिला के साथ युवक ने नशा सुंघा करके लूट की घटना को अंजाम दिया। इस विषय में महिला के भाई ने बताया कि ये अपने पति के साथ कोरोना का टीका लगवाने के लिए संयुक्त चिकित्सालय में आई थी। इनके पति का टीका लग गया, लेकिन इनकी उम्र 2 साल कम होने के कारण टीका नहीं लग पाया। इसी बीच जब वे पिछले गेट से घर को जा रही थी तो इन्हें कुर्ता पजामा पहने एक युवक मिला, जिसने इन्हें टीका लगवाने की बात कही। मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल जी, ये क्या अस्पताल में जो ये लेटी हैं, ये कौन है आपकी? ये हमारी मौसरी बहन है। हाँ, क्या हुआ इनके साथ? मामा वैक्सीन लगवाने को आई थी, जियाजी के लग चुकी थी, तो समय वैक्सीन खत्म हो गई, तो एक सज्जन बोला कि मेरी जान पहचान है, मैं आपकी वैक्सीन लगवा दूंगा। तो जो महिला बिल्डिंग है उसके पीछे बैला पुष्कर के लग गया और सुंगा के इनके कानों में कुंडल और जो है पैरों की पजेबों और एक हाथ की अंगूठी उतार के लग गया। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ पड़े हुए हैं? मैं इस समय अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। कैसी हालत है इनकी? इन्हें होश नहीं है बिल्कुल भी। लूट की इनके, ये महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी। इनके हस्बैंड के द्वारा, इनके हस्बैंड की तो उम्र 60 साल से ऊपर थी, तो उनको तो टीका लग गया था, और महिला की उम्र 2 साल कम होने की वजह से वो वापस जा रही थी। तो इनको कोई पीछे का गेट जो है यहाँ पे, जो संभल गेट वाली रोड है, यहाँ पे कोई अनजान शख्स मिला। उस अनजान शख्स ने इनके, जो इनके पति बता रहे हैं हमको, उस अनजान शख्स ने बोला कि मैं आपका टीका लगवा दूँगा। अब क्या हुआ है कि वो अनजान शख्स कुर्ते पजामे में था, बता रहे हैं, तो उस अनजान शख्स की वजह से वो महिला को, उनके पति अपने घर की तरफ को चले गए। वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद इनको यहीं होम्योपैथिक जो अस्पताल है वहाँ के बाहर थोड़ा बेहोशी की हालत में, परिसर में जो होम्योपैथिक का अस्पताल है उस जगह पे इनको कोई बेहोशी की हालत, इनके बेटे के द्वारा जो बताया गया। अच्छा, तो इनको कुछ ऐसा कोई पदार्थ सुंघाया गया जिससे कि बेहोशी की हालत में ये हो गई। बताया जा रहा है इनके साथ लूट लिए, इनके कुछ जेवर वगैरह लूट लिए, कानों के कुंडल। अब इनके पति और इनके बेटे के द्वारा तो ये चीज बताई जा रही है। अब इनकी क्या हालत है? अब हालत इनकी इतनी है कि इनको स्टेबल है, जान को खतरे से बाहर है, कोई ऐसी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं। बस ये है कि थोड़ी सी इनकी लापरवाही, हस्बैंड साथ होते तो शायद ये घटना ना घटी। तो